नमस्कार, मैं अक्षय पाटिल, आई न्यूज प्रस्तुत सेलिब्रिटी मंच सीजन 2। इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारे सेलिब्रिटी मंच पर हमने इनवाइट किया है बेंगलोर के जाने माने टीवी सीरियल एक्टर, फिल्म एक्टर, भरतनाट्यम डांसर श्री देव रूपंतरण सर को। तो उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ और मेरे मीठे शब्दों से और आई न्यूज के सभी दर्शकों की ओर से उनका स्वागत करता हूँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम देव रूपांतरण। सर, आपने ड्रामा करना कब से शुरुआत की और ड्रामा के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? मैं कलाकारों के फैमिली से हूँ। बचपन से मैं मेरे चाचा को नाटक करते हुए देखा था और मेरा आसपास का माहौल भी कला का था, संगीत नृत्य। इसलिए मेरी कला की यात्रा बचपन में ही शुरू हो गई थी। कला में रुचि दिखाने वाले परिवार में रहने के कारण मैंने भी बहुत पहले ही कला में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं 12वीं कक्षा में आने पर ही कला को सीरियसली लेने लगा। मैं कला के सभी रूपों का अध्ययन करता हूँ, संगीत, नृत्य, नाटक। मैं एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर भी हूँ। सर, अभी तक के जर्नी में आपके फैमिली का सपोर्ट आपके लिए कैसे रहा है और अभी तक है? सभी माता पिता की तरह मेरे माता पिता ने भी मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखा। उन दिनों में सभी यही प्रोफेशन पसंद करते थे, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रति मेरा जुनून, मेरा इच्छा देखकर उन्होंने मुझे समझा और पूरे दिल से मेरा समर्थन किया। उन्हें इस बात की चिंता था कि क्या मैं इस प्रोफेशन से जीवन का गुजारा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ दिया। मुझे कलाकार बनने से उन्होंने कभी नहीं रोका, हमेशा मुझे प्रोत्साहन ही दिया। सर, हमें पता चला है कि कन्नड़ में जो महाभारत हो रहा है, उस महाभारत सीरियल में आप भगवान श्री कृष्ण की बैकग्राउंड वॉइस दे रहे हो, तो ये थोड़ी सी झलकियां हमें सुनने को काफी मजा आएगा सर। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम ओळ्ळियवरिगे मुक्ति दोरकिसिकोडलु, विनाशाय च दुष्कृताम केट्ट कार्य माडुववरन्नु नाश माडलु, धर्म संस्थापनार्थाय धर्मद स्थापनेगागि नानु वासुदेव कृष्ण ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಹುತ್ ಖೂಬ್ ಸರ್. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋಲ್ನಾ ಯಾ ದೂಸರೆ ಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋಲ್ನಾ ಕ್ಯಾ ಈಜಿ ಹೋತಾ ಹೈ? ದೋನೋ ಮೇ ಮಜಾ ಹೈ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಜೆ ದೋನೋ ತರಹ ಕೆ ಕಾಮ್ ಮೇ ಭಿ ಮಜಾ ಆತಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಪ್ನೆ ಹಿ ಚಾರಿತ್ರ ಪರ್ संवाद पहुंचाना हो तो ये थोड़ा सा आसान है। अन्य चरित्रों के लिए डायलॉग बोलना निश्चित रूप से बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत समय लेता है और इसके लिए बहुत एकाग्रता और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। सर, कभी कभी ऐसे होता है कि किसी को ढंग से एक्टिंग नहीं आती है, किसी को ढंग से डांस नहीं आता है, तभी भी वो अभी इंडस्ट्री में दिखता है, तो ऐसे जो दृश्य देख के आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? क्रोधित होने से किसी को भी कभी फायदा हुआ है क्या? इस दुनिया में हर कोई एक उद्देश्य से पैदा हुआ है।
मैं कर्म और भाग्य में दृढ़ता से विश्वास करता हूं। इसलिए जब कोई अच्छा करता है मुझे लगता है कि यह उनके भाग्य है, उनके अच्छा कर्मों का फल है। उनका ईर्ष्या करना या इस बात पर उन पर क्रोधित होना ये मेरे स्वभाव में नहीं है। इसी कारण से मैं अच्छी तरह से सोचता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हर किसी को अच्छी सफलता मिले। सर, मैंने इसलिए पूछा कि बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद अच्छे एक्टर, अच्छे डांसर हमें इंडस्ट्री में नहीं दिखते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने में यही एक कारण था, तो मैंने आपसे पूछ लिया। सर, एक गाना है अपना टाइम आएगा, तो मुझे ऐसा आपसे पूछना है कि आपने इतनी सारी स्ट्रगल की है, यहाँ तक अभी ट्रेवल किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका अच्छा टाइम आया है क्या? आप पूछ रहे हैं कि क्या मेरा समय अब आ गया है? ये एक मिलियन डॉलर का सवाल है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में और भी अच्छा दिन है या बुरा दिन है। सर, मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि कुछ ऐसे एक्टर हैं कि स्ट्रगल के वक्त उनका स्वभाव अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने कुछ हासिल करने के बाद उनका जो स्वभाव है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो मुझे ऐसे कहना है कि एक एक्टर को एक्टर के साथ एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। निश्चित रूप से, बिल्कुल, हर किसी को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सर, आपकी ये जो जर्नी है वो बहुत संघर्ष से भरी होगी, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई मूवीज लाइक बुलबुल, राजरता, रामाधान्या, MMCH, उद्देश्या, कई सीरियल्स, राघवेंद्र वैभवा फॉर स्टार सुवर्णा, राघवेंद्र महिमे फॉर ETV कन्नडा, महादेवी फॉर जी कन्नडा, उगे उगे मादेश्वरा फॉर जी कन्नडा, और कई डांस शोज किया है। मुझे सराहा गया पर किसी भी मान्यता नहीं मिली। बट कृष्ण पात्र को आवाज देते हुए मुझे निश्चित रूप से बहुत पहचान मिली है। मैं इस बात में बहुत खुश हूँ। सर, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हो और क्या सीखने को मिला है उनके तरफ से आपको? मेरे रोल मॉडल कोई सिनेमा से नहीं है, बल्कि मेरे वास्तविक गुरु हैं, गुरु बी भानुमति, श्रीमती शीला चंद्रशेखर, डॉक्टर SN सुशीला, MR कमला मैम, KSDL चंद्रू सर, शांतामणि मैम, एंड माय फ्रेंड्स सुषमा केराव, डॉक्टर रक्षा कार्तिक, अर्चना चेतना, पद्मश्री, छाया भार्गवी, माधुरी शिवंगी, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे माता पिता। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे सोच पर कितना प्रभावित किया है, कितना मार्गदर्शन किया है और मेरी मदद की है। सर, अभी तक आपने कितने शो किए हैं? जब आपको किसी भी शो में किसी भी तरह का रोल मिलता है तो उसको निभाने की कोशिश आपकी कैसे होती है? मैं अपनी करियर में कई तरह का भूमिकाएं निभाए हैं। मैं एक अमेचूर ड्रामा टीम रूपांतरा का एक हिस्सा हूँ। मैं 10 से भी ज्यादा नाटकों में टीम के साथ मोर देन 200 शोज किया हूं। मैं 4 से 5 सीरियल्स, 6 से 7 फिल्मों में अभिनय और कई डांस शो में परफॉर्म किया हूं। सभी भूमिकाओं के बारे में एक बात कॉमन है, कड़ी मेहनत और परिश्रम। मैं हर एक कैरेक्टर को इनडेप्थ अध्ययन करता हूं, बुक्स पढ़कर, रिसर्च कर मैं बहुत कोशिश करता हूँ। सही इमोशन, सही टोन,
और सही मॉड्यूलेशन को पकड़ पाऊं। सर, जो बच्चे हैं जो एक्टिंग फील्ड में होंगे, डांस फील्ड में होंगे, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मेरा एडवाइस होगा अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, क्योंकि हर एक कठिन काम अभ्यास और प्रतिभा से ही सफल होती है। प्रतिभा के बिना इस दुनिया में लंबे समय तक सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। आप जिसी कला में इंटरेस्टेड हैं, नृत्य संगीत या अभिनय, टैलेंट को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। इसके अलावा और एक प्रैक्टिकल सलाह यह है कि आप एक अल्टरनेट इनकम स्ट्रीम अवश्य रखें। सर, आज के प्रोग्राम का एंड आप महाभारत का एक डायलॉग बोल के करें, ऐसे में आपको हमारे दर्शकों की ओर से, मेरी टीम की ओर से रिक्वेस्ट करता हूँ। ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಪಮಾನವಾಗುವುದೋ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಶೋಷಣೆಯಾಗುವುದೋ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಾರಿಯ ಕೇಶವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುವುದೋ, ಆಗೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಜನ್ಮ ತಾಳುವುದು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सर, आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम निकालते और हमारे इनविटेशन का सम्मान करते हुए हमारे सेलिब्रिटी मंच पर आए, इसलिए मैं अक्षय पाटी और मेरे आई न्यूज की पूरी टीम और सभी दर्शकों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आई न्यूज चैनल मुंबई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, थैंक्स अगेन। And last but not the least, dear viewers, I heartily thank you for watching me here. धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ आई न्यूज प्रस्तुत सेलिब्रिटी मंच इस प्रोग्राम में। अगर ये प्रोग्राम आपको सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आपका ढेर सारा प्यार हमें मिले, ऐसे में आपसे दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ।